हे गाइस, मैं ऑरेंज कलर और आपका एक और बार स्वागत है मेरे चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे डबल कर सकते हो आपके पीसी की रैम विदाउट कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। कोई एप्लीकेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये मतलब पहले से ही एक फीचर होता है विंडोज़ का, जिससे आप वर्चुअल रैम जनरेट कर सकते हो, मतलब बना सकते हो अपनी वर्चुअल रैम। तो होता क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल में सब कुछ ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं पक्का बोल रहा हूँ ये वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मैंने नोटपैड में पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है, ये देखकर भी कर सकते हो अगर आप नई वीडियो देखना चाहते तो। ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। इसमें से हमको करना क्या है कि हमको पहले फाइल्स खोल देनी है, या फिर फाइल्स खोले बिना ही आपको वो थिस पीसी पे जाना है और फिर आपको प्रॉपर्टीज़ क्लिक करना है थिस पीसी। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, देखो मेरे पीसी में कितनी रैम है। मेरे पीसी में सिर्फ 4 GB रैम है, आप देख सकते हो, और उसमें से 3.87 यूजेबल है। तो आपको ये करके दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में जाना है और फिर एडवांस में जाना है। देखो ये दिस पीसी, आप पहले देख लो मेरी 4 GB रैम है, अगर आपकी 8 GB रैम हो तो भी आप मीन्स ये डबल कर सकते हो। मैं 4 GB रैम में दिखा रहा हूँ। तो पहली बात ये आती है कि मतलब ट्रस्ट नहीं होता किसी पर भी, क्योंकि मैं खुद होता था ना, मैं YouTube पे लो एंड पीसी के लिए वीडियो सर्च करता था, तो जो भी वीडियो की क्वालिटी मतलब ऐसी कम होती थी ना, वही मैं देखता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब लो एंड पीसी में रिकॉर्डिंग भी नहीं होती। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये रिकॉर्डिंग मैं एक ऐसी एप्लीकेशन से कर रहा हूँ जो कि स्पेशली लो एंड पीसी के लिए बनी हुई है। इसमें से कम मतलब 2 GB रैम वाले पीसी में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट मतलब FPS ड्रेन। तो पहले OBS में क्या होता था, OBS में रिकॉर्डिंग तो ठीक होती नहीं थी, और फिर भी अगर जैसे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट, अगर उसमें 40 FPS आ रहे हैं, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ रिकॉर्डिंग वो OBS की, तो मेरे 20 से भी कम आने लगते थे माइनक्राफ्ट में। और 20 FPS भी अगर रिकॉर्ड हो जाए ना तो भी OBS अच्छा, पर ऐसा भी नहीं होता था लो एंड पीसी में, क्योंकि मतलब वो है ना एक या फिर नहीं एक भी FPS नहीं रिकॉर्ड करता था, इतना मतलब लो FPS रिकॉर्ड करता था OBS। इसलिए ये स्पेशल उसकी एप्लीकेशन है लो एंड पीसी के लिए। तो 3 मिनट की तो ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया। तो अभी हमको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स ये रहा। और ये मतलब आप बोलोगे कि मतलब ये हार्म नहीं करता, मतलब पहले ही बता दूँ हार्म नहीं करता आपके पीसी को, मतलब ये टोटली मतलब कुछ ऐसा नहीं कि पूरी सिस्टम में आपको चेंज आ जाएगा और ख़राब हो जाए, मतलब कुछ ऐसा तो परसेंटेज कुछ चांस ही नहीं है। फिर ये हमको सिस्टम सेटिंग्स में एडवांस में जाना है, और फिर से मतलब ये इधर आप क्लिक करोगे, पहले इधर और फिर से एडवांस में और फिर इधर सेटिंग्स में। तो ये परफॉर्मेंस आप सब कर दो, ये मैं फिर बता दूंगा, और फिर मैं फिर से देख लेता हूँ, मैं ही भूल गया। फिर एडवांस में, फिर सेटिंग्स में जाके परफॉर्मेंस ये जाना है। इसमें परफॉर्मेंस कहाँ गया यार, रुको मैं फिर से देख लेता हूँ। इधर एडवांस में गए और फिर ये इधर सेटिंग्स में परफॉर्मेंस। तो ये है हमारे इधर हमको सेटिंग्स में जाना है, हाँ सेटिंग्स में ही जाना है, और फिर परफॉर्मेंस। अरे कौन सा वाला सेटिंग्स, ओ हाँ यही वाला है, हाँ मैं ही गलत बोल रहा हूँ। और फिर उसमें फिर से आपको एडवांस में जाना है इधर, और फिर ये वर्चुअल मेमोरी करके आपका ऑप्शन आएगा। वर्चुअल मेमोरी मतलब, मेमोरी मतलब होता ही है हमारा रैम, तो रैम ये रैम का ऑप्शन है वर्चुअल रैम। तो ये वर्चुअल रैम मतलब होता क्या है कि आपके पीसी में है 4 GB रैम और आपको मतलब एक्सटेंड करना है। सो आप मतलब ऐसे थोड़ी ना मैजिक हो जाएगा कि आपके पीसी में रियल वाला रैम आ जाएगा, पर फिर भी अगर आपके पास SSD है तो रैम की तरह ही ये काम कर सकता है। मेरे पास HDD है,
पर अगर आप SSD लगाते हो आपके PC में तो ज़्यादा परफॉर्मेंस आता है, तो मतलब ज़्यादा स्पीड आती है रैम की, जैसे होती है रैम की फुल स्पीड होती है, ऐसे ही अगर आप इसमें SSD लगाते हो तो मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, पर 90% या तो 80% ये SSD लगाते हो तो वो RAM की तरह ही वर्क करेगा, पर HDD होगी तो भी आपको चलेगा। सो देखो ये आपको वर्चुअल RAM मेमोरी में ये चेंज वाला ऑप्शन दबाना है और फिर आपको जिसमें वो अपना विंडोज़ है वो क्लिक करना है और इधर कस्टम साइज पे क्लिक करना है। आपका इसमें से कोई भी सिलेक्टेड होगा, नहीं ये सिलेक्टेड होगा आपका, तो आपको ये निकाल के ये कस्टम साइज सिलेक्ट करना है। सो अभी आपको खोल लेना है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर मैं खोल ही लेता हूँ कैलकुलेटर। सो आपको पता होगा एक मतलब आपका 1 GB मतलब कितना होता है, हाँ तो गूगल करके देख लिया है हमने, तो होता है 1024, तो 1024 आपका 1 GB होता है, तो आप में है ये डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई आपको करना है बाय 4, तो आपके PC में 4096 MB वो क्या रैम है आपके PC में, ठीक है, अगर आपका 4 GB है तो ये आपका 1024 को आपको जितने भी PC रैम है, जैसे कि आपके PC में 2 GB रैम है तो आपको x2 करना है, मैंने ये x4 किया हुआ है, सो ये 4096 तो इतना मेरे में है, तो आपका कितना है वो आपको देखना है। और फिर आपको ये करने के बाद इसको फिर से x2 करना है और फिर इक्वल टू और फिर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x3 करना है आपको, ठीक है, तो ये जो आंसर आता है ना, या फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही मैंने लंबा कर दिया मुझे पता है, तो ये 6014 इसलिए आंसर आया, रुको मैं इसे पूरा क्लियर कर देता हूँ, तो 1 GB होता है 1024 MB, तो फिर डिवाइड क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, x4 जितना भी 4 ये वेरिएबल आपका मतलब जितना भी PC का रैम है वो, और फिर इसको x2 करना है 1.5 ये आप कर देना, इक्वल टू करना है और फिर जो भी आपका है ना वही आपको डालना है, उससे ज़्यादा मत डालना क्योंकि ये मतलब कुछ मतलब ग्लिच हो सकता है आपका, इसलिए इससे ज़्यादा मत डालना, ये मैक्सिमम है, या फिर x1 करोगे तो यही आएगा, आप इतना भी वर्चुअल मेमोरी ऐड कर सकते हो, डबल नहीं, ये हमने 1.5 इसलिए किया क्योंकि ये डबल नहीं हो रहा, मतलब ये आप मैक्सिमम यही कर सकते हो 1.5 इंटू आपका जितना भी रैम है इंटू 1.5 आपको करना है, और ये 1.5 होके ये आया तो इतना रैम आपको एक्स्ट्रा डल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ 1.5 ही आपका बढ़ेगा, मतलब वो ऐड होगा, 1+1.5=2.5, तो इंटू 2 नहीं 2 मतलब 2.5 टोटल हो जाएगा, सिर्फ डबल ही नहीं होगा, ये आप मैक्सिमम कर सकते हो या फिर आपका जितना मेगाबाइट रैम है उतना ही कर सकते हो, तो मतलब डबल ही हो जाएगा आपका 4096, तो ये मैंने पहले से ही करके रखा है, आपका जितना भी है वो आप आपकी तरह से मतलब आपके तरह से कर लेना, जैसे कि आपका होगा मतलब 8 GB रैम तो आपके तरीके से कर लेना, जैसे कि मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, इंटू आपको करना है इंटू 8 आपका 8 GB रैम है तो इतना करना है और फिर उसको इंटू 1.5 इक्वल टू इतना आपको करना है अगर आपका 8 GB रैम है, तो ऐसे सबको अलग अलग करना है, कुछ भी मतलब एक दूसरे का मत करना, सबको अलग अलग आंसर आता है, ठीक है, तो ये आपको सबको अलग अलग करना है, मेरा 4 GB रैम है तो मैंने ये कर दिया है, और फिर आपको ये सेट करना है, सेट का बटन दबाते ही फिर आपको ओके क्लिक करना है और फिर ये अप्लाई इधर ऑप्शन आ जाएगा, रुको मैं कुछ चेंज करके ही दिखाता हूँ आपको, तो ये वो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो ठीक है 124 मैं मैक्सिमम नहीं करूँगा, इंटू 4 कर देते हैं, मेरा 4 GB रैम है, इसको आपको कर लेना है कॉपी, जो भी आपका आंसर है यार सिलेक्ट हो जा, हाँ ठीक है, इसको एक्स कर दूँगा या फिर कॉपी कर दूँगा,
कुछ भी आप कर सकते हो, कंट्रोल सी, तो मैंने कर लिया है कंट्रोल सी, तो ये कॉमा मटा देते हैं वरना इससे भी क्या पता ग्लिच हो जाए। तो इसको करना है सेट, फिर ओके, फिर देखो ये मैसेज आना चाहिए आपको अगर आप ये पहली बार कर रहे हो तो। मैंने वो चेंजेस नहीं किए थे इसलिए पहली बार में नहीं आया था, अभी चेंजेस किए तो आ चुका है। द चेंजेस यू हैव मेड रिक्वायर टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर दे कैन टेक इफेक्ट। तो ये ओके आपको कर देना है, आपको रिस्टार्ट कर देना है, क्योंकि मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं अभी करूँगा तो जो वीडियो को मतलब ही क्या रह जाएगा, मतलब ये वीडियो एंड हो जाएगी, ये मेरी एप्लीकेशन खुल रही है। और फिर आपको करना है फिर से अप्लाई, ओके, और फिर इधर भी ओके, तो ये आपका आएगा। मैं रिस्टार्ट लेटर कर देता हूँ क्योंकि मेरे में तो मतलब चेंजेस आए हुए हैं। और फिर आप सारी एप्लीकेशन क्लोज कर सकते हो, ये सब, ये आपको रिस्टार्ट नाउ कर देना है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से ही वो करके रखा था। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी थी, मुझे पक्का पता है ये आपको इससे बहुत हेल्प हुई होगी अगर आप मतलब ये रियली में ट्राई कर रहे हो तो। और अगर आपको मतलब कुछ भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखे तो ये वीडियो लाइक ठोक देना, और अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में तो पूछना ही मत, सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर दो। ठीक है, तो मैं भी रिस्टार्ट ना भी कर देता, नहीं रिस्टार्ट लेटर ही कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो बस इतनी थी, और मैं माइनक्राफ्ट की वीडियोज़ भी डालता हूँ और टेक तो बहुत ही डालता हूँ, टेक में ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलता है आपका, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और ये भी कहना चाहूँगा कितने कम जन सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। ये एक डिटेल वीडियो थी रैम करने के लिए, मतलब डबल करने के लिए। आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो कि मतलब दो दो तीन तीन मिनट की होगी, पर फिर भी उसमें आपको मतलब इतना सब कुछ समझ नहीं आएगा, डिटेल में नहीं बताया होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप अपने फ्रेंड को भी मतलब एडवाइस कर सकते हो, या फिर उसको ये शेयर कर सकते हो, तो जल्दी से शेयर कर दो अगर आपका भी फ्रेंड मेरे जैसा है, मतलब लो एंड पीसी वाला है। तो ठीक है, दूसरी भी वीडियो आ रही है हाउ टू मतलब पूरा ऑप्टिमाइजेशन आपकी विंडोज़ का। सो अभी मैं इसलिए ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है, वरना ये लैपटॉप तो ऐसा है कि मतलब इसमें कुछ भी ना चले, मतलब ये माइनक्राफ्ट तो बहुत बहुत दूर की बात है, क्रोम भी ठीक से ओपन ना हो ऐसा लैपटॉप है। इतनी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद ही ये वीडियो बनना पॉसिबल हुई है, तो वो भी ज़रूर से देखना, और वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो एंड करते हैं, तो मिलता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय फ्रेंड्स। Like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah.